जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी पर। दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं SSC GD साथ दिल्ली पुलिस RPF कांस्टेबल इन सभी की, स्पेशली आप सभी को बता दूं SSC GD का पिछले साल की तरह इस बार भी हमारा गारंटी बैच यानी 100% सिलेक्शन नहीं तो फीस वापस वाला बैच शुरू होने जा रहा है आने वाली 1 तारीख से। तो जो भी बच्चा आना चाहता है, जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा देख लीजिए ताकि आपको संतोष हो सके, विश्वास हो सके, आपको पूरी विश्वास और आशा के साथ मैं बोलता हूं कि अगर आपके बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है तो उसकी 100% फीस वापस की जाएगी और इसका आपको एक लिखित नोटिस भी आपको एकेडमी की तरफ से दिया जाता है कि अगर आपके बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है 1 साल में 100% फीस वापस। देखिए किस प्रकार से इस फीस बेच के बारे में, जो SSC GD का गारंटी बेच है इसके बारे में आप जान सकते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए SSC GD 2022 के लिए गारंटी बेच पिछले साल की तरह शुरू हुआ था। पिछले साल, अब आप ये बोलोगे पिछले साल का रिजल्ट के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जब भी हम बोलते हैं कि सिलेक्शन नहीं तो फीस वापस। देखिए क्यों ऐसा करते हैं, 100% फ्री बेच है अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो। सबसे पहले आपको बता दूं 2022 की वैकेंसी लगभग 60,000 से ऊपर पोस्ट की, 60,000 से लेकर 80,000 पोस्ट की वैकेंसी रहने वाली है। दूसरी बात, SSC GD के साथ आपकी दिल्ली पुलिस की तैयारी बिल्कुल फ्री हो जाती है क्योंकि SSC GD और दिल्ली पुलिस का लगभग सिलेबस सेम है, सिर्फ एक हिंदी का फर्क है, ठीक है। दो फायदे। दूसरी, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट इस बार फायदा क्या है कि SSC GD का बैच यानी मार्च अप्रैल में इसका एग्जाम होगा और उसके तुरंत बाद अप्रैल और मई में दिल्ली पुलिस का एग्जाम होगा। तो जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को देखिए ध्यान रखिए, इससे बड़ा ऑफर आपके बच्चों के लिए कभी नहीं हो सकता। जो बच्चे देख रहे हैं उन सभी के लिए गारंटी बैच पिछली बार भी हमने 6 महीने पहले शुरू किया था और इस बार भी 6 माह पहले शुरू कर रहे हैं। पिछले बार के जो 6 महीने पहले हमने एडमिशन लिए थे SSC GD के, वो लगभग 65 एडमिशन थे हमारे पास में, जिसमें से हमारे लगभग 14 बच्चों के फॉरम रिजेक्ट हो गए थे, 14 से 16 बच्चों के, ठीक है। 51 बच्चों ने पेपर दिया था जिसमें से 40 बच्चे सेलेक्ट हुए थे और उन बच्चों में से मैं आपको बता दूं जो पेपर पास किए थे उनमें से केवल 2 बच्चे मेडिकली अभी मेडिकल देने नहीं जा रहे हैं, फिजिकली कट ऑफ में बाहर हो गए, लेकिन अभी 38 बच्चे फाइनल मेरिट तक पहुंच गए हैं। अगर आपको इसका प्रूफ देखना है तो पूरे प्रूफ के साथ ये वीडियो बना रखा है कमांडो अकेडमी के चैनल पर, आप कमांडो अकेडमी चैनल पर जाइए और आप ये पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हैं, कमांडो अकेडमी फिजिकल पर भी और कमांडो अकेडमी पर भी। ये वीडियो है SSC GD 2021 में 40 बच्चों का सिलेक्शन होने की खुशी, ये पूरा उनके डॉक्यूमेंट्स के साथ बनाया हुआ वीडियो विथ प्रूफ, ये वीडियो आप देख सकते हैं। आप सोचिए 51 में से 40 बच्चों को पास, इसी को गारंटी बैच बोलते हैं, यही है सिलेक्शन बैच। इसीलिए ऑफलाइन एकेडमी से इतने बच्चे सेलेक्ट होते हैं क्योंकि उनकी रूटीन सुबह 4 बजे से उठने से लेकर रात 10:30 बजे तक सोने तक खत्म होती है, यानी लगातार पूरे दिन अगर वो 6 महीने पढ़ाई करेंगे तभी उनका सिलेक्शन हो सकता, नहीं तो नहीं। तो जो भी माता पिता अपने बच्चों को तैयारी कराना चाहते हैं बाद में लेट लेके आएंगे उसका फायदा नहीं होगा, अगर अभी बच्चे आएंगे एकेडमी में तो फायदा होगा। अगर आप ओवरऑल पूरे साल के सिलेक्शन काउंट करोगे तो हम लगभग 80 से ज्यादा सिलेक्शन दे चुके हैं पिछले साल में, पिछले 1 साल में 40 से ज्यादा बच्चे SSC GD में। इसके अलावा कुछ SI रैंक पर भी, कुछ जो आर्मी अग्निवीर अभी जो चल रही है इस वैकेंसी में भी, राजस्थान पुलिस में भी हमारे बच्चे हैं और 4 या 5 बच्चे BSF जो पिछली वैकेंसी उसमें भी पेपर करके फाइनल मेरिट की वेटिंग में, 2 बच्चे बस्तर बटालियन में है और 3 बच्चे बंगाल पुलिस में है जो भी बीच में वैकेंसी आई थी उसमें, उसके अलावा स्टेट पुलिस में भी है 2-3 बच्चे, ऐसे करके टोटल 80 के आसपास का यहाँ आंकड़ा है, ठीक है। इसमें से आपको बताऊं SSC GD में हमारे सबसे ज्यादा सिलेक्शन पिछली बार दिल्ली, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान, एक हरियाणा, पंजाब, यहां से सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुए हमारे बच्चों के, एक पश्चिम बंगाल, यहां से सबसे ज्यादा सिलेक्ट हुए थे हमारे अकेडमी में SSC GD के छात्र। और इस बार हमारा टारगेट हिंदुस्तान के हर एक कोने से। अब आपके ये क्वेश्चन आता है कि फीस, जो भी बच्चा हमारे, आपको एक लिखित नोटिस मिलेगा जो हमारी फीस है उसके बारे में, आपको एक नीचे हेल्पलाइन नंबर दिया है इस पर आप कॉल कर लीजिए। आप एकेडमी में एडमिशन लोगे उस समय आपकी पूरी फीस लगेगी, ध्यान रखिए। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपकी फीस वापस रिटर्न हो जाएगी 100%। हाँ, ध्यान रखिए आपका हॉस्टल चार्ज है वो रिटर्न नहीं होगा, ये पहले बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चे फिर बाद में बोलते हैं सर हॉस्टल फीस, हॉस्टल फीस तो आप कहीं पे भी रहोगे तो आपको चुकानी पड़ेगी क्योंकि एक हॉस्टल का चार्ज, आप रहोगे, खाना खाओगे, पियोगे, उसका चार्ज तो आपको सब जगह देना पड़ेगा, लेकिन आपकी जो फीस है वो 50,000 रुपये फीस है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो 50,000 वापस है,
ठीक है, एक साल की जो फीस है वो 50,000 है, अगर सिलेक्शन नहीं होता तो 50,000 फीस वापस है। हॉस्टल चार्ज है वो 80,000 रुपये सालाना चार्ज है, लाड तो ध्यान रखिए, ठीक है, हॉस्टल चार्ज वापस नहीं होगा। अब सिलेक्शन का आप रेशियो देख सकते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी बोलते हैं कुछ कि सर फीस बढ़ी है, सिलेक्शन बढ़े हैं लाड तो फीस बढ़ी नहीं है। आप सोचिए कि एक साल में 51 में से 40 बच्चों को सिलेक्ट कराना सिर्फ एक वैकेंसी में, हिंदुस्तान में कोई अकेडमी टक्कर में हो तो हमसे बात कर सकती है। अकेडमी में बैच आने वाली 1 तारीख से शुरू हो रहे हैं, तो मैं चाहता हूं उससे पहले आप सभी एडमिशन ले लीजिए, जो भी बच्चे इच्छुक हैं। जय हिंद, जय भारत, लाड लो।